राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदेश। आज पार्ट थ्री में लाइव प्रोसेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेटा रेस्पिरेशन टॉपिक। तो रेस्पिरेशन जनरली होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो बेटा एक एक चीज बारीकी से देखेंगे। जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, वो मेरे साथ साथ यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय विच एनर्जी इज रिलीज। आप लोगों ने जो भी क्या है बेटा भोजन किया या खाना खाया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ उसका, उस खाने का, और उसमें से क्या हुआ बेटा एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। और वो सारा काम किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट डिफाइन रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हो अच्छे से। नाउ देखो, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कुछ प्रोसेसेस होती है जो इन्वॉल्व की जाती है। तो पहले क्या है बेटा, गैसियस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो गैसियस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होती है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से ले जाती है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यस और नो। इसी चीज को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग बोलते हैं। नाउ सही क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। सिंपल फूड का क्या होता है बेटा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी जो है वो रिलीज की जा सके इन साइड द सेल, सेल के अंदर। और एज वी नो दैट कि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है हम लोगों को, क्लियर है, ठीक है। इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर मीन सेल्स के अंदर हो रही है रेस्पिरेशन, तो आपको पता ही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपका कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, कि ग्लूकोज का जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इस पर आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है, C6H12O6। इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटा, 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन प्रेजेंट है ये बेटा क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यही है बेटा, चेक कर लो एक बार। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा बेटा, इनका ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा, पाइरूवेट में। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिख दिया है, पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। रख लेना, इंप्रेशन इंप्रेसिव चीज है, क्लियर हो गई। और इसमें बेटा कितने कार्बन प्रेजेंट है, हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा हुआ है, 3 कार्बन। और इसमें क्या है बेटा, एनर्जी भी रिलीज होती है, क्लियर हो रही है, समझ में आ गई। तो ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हुआ बेटा पाइरूवेट में, साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, पाइरूवेट में। और ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन जो है कन्वर्ट हो गए किसमें, 3 कार्बन में, क्लियर हो गई। नाउ ये जो 3 कार्बन होंगे बेटा वो कन्वर्ट होंगे आपके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में। तो पहला है आपके पास बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एक ईस्ट सेल के अंदर होता है। क्या आएगा बेटा, पहला क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसमें मिलेगा आपको क्या बेटा, इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ोगे, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, क्लियर हो गई। यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी भी निकलती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहले क्या था, ग्लूकोज जिसके 6 कार्बन थे वो कन्वर्ट हुए पाइरूवेट में, पाइरूवेट जो है फिर कंस्टिट्यूएंट होगा या टूटेगा किसमें बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ईस्ट सेल के अंदर होगा। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इथेनॉल मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाली है और एनर्जी भी मिलने वाली है, क्लियर हो गई यहां तक। नाउ अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया आपका, अब आता है बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होती है बेटा किसमें, हमारे मसल्स में। याद रख लेना मेरी बात कि क्या नाम है, जब भी आपके पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो बॉडी पेन करने लगती है। और बॉडी पेन करती है बेटा हमारी किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपके पास जो एसिड बनेगा वो बनेगा बेटा क्या, लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। यस और नो, यहाँ पर आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है चीजें। अब है अगला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखो रेस्पिरेशन होता है ना, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी मिलेगी हमें। तो ये किसके अंदर हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारे पास एटीपी की फॉर्म में क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और यहाँ पर क्या एंड प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको बेटा, CO2, वाटर और एनर्जी।
क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के 6 कार्बन थे जो कि क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ ब्रेक डाउन हुआ, किसमें पाइरूवेट में। पाइरूवेट का फॉर्मूला था C3H4O3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन थे जो कि फिर ब्रेक डाउन होंगे किसमें बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें हो रही है बेटा, ईस्ट में हो रही है, और इसमें आपको क्या मिल रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, और क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और एनर्जी मिल रही है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, C2H5OH और प्लस में CO2 और एनर्जी। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि किसमें हो रहा है बेटा, मसल सेल के अंदर हो रहा है। और जो है क्या नाम है, मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में पेन होता है तो वो किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6O3। और यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। लास्ट क्या है हमारे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, एनर्जी मिलती है हम लोगों को। और ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है तो क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, CO2 H2O और एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया बहुत अच्छे से ये टॉपिक। नाउ अब एक नया टॉपिक और जनरेट होता है बेटा, क्या कि भाई एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंशिएट होता है और उसके एंड प्रोडक्ट क्या है। बोर्ड में बेटा 2020 में आपका क्या नाम है जो है कोरोना का जो टाइम था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के हिसाब से जो पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम समझेंगे बेटा कि भाई एरोबिक और एनएरोबिक क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो देख लेते हैं बेटा क्या क्या डिफरेंशिएट होते हैं। देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया बेटा। और ये क्या होगा बेटा हमारा, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, सेकंड पॉइंट में हो जाएगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होता है, और जो एनएरोबिक होगा वो किसमें होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर होगी। और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, अकर इन साइटोप्लाज्म। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसका भी और इसका भी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है बताओ बेटा, एंड प्रोडक्ट यहां पर क्या बनते हैं, वो भी एरोबिक में। तो एंड प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। क्लियर हो गई। और इसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है बेटा, एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल, और एल्कोहल ही हमारा क्या है बेटा, C2H5OH जिसको हम इथेनॉल बोल रहे थे। और हमारा क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, लैक्टिक एसिड। यस और नो, क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई यार। और देखो बेटा जो एरोबिक होती है ना उसमें हमारे पास मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, लेस एनर्जी is released। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है बेटा। अब हम करने वाले हैं कि भाई जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो डायग्राम आप लोगों ने देखा ही होगा, डायग्राम बनते हुए भी देख लिया आप लोगों ने। और देखो क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना, नेसल पैसेज होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर माउथ कैविटी होती है, पैरिंग्स लैरिंग्स बना रखे हैं हमारे, ट्रैकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वोलाई है और एल्वोलर सैक है। जो एल्वोलाई होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान जरूर देखना। देखो यहाँ पर जो एयर है
वो किस तरह से पास हो रही है, क्या नाम है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर किस तरह से एयर पास हो रही है वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, कि भाई सबसे पहले क्या होगा, जो एयर एयर समझते हो ना, जिसमें सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी, है ना। अभी जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, लेकिन भाई हमारे एटमोसफेयर में तो सारी गैसेस प्रेजेंट है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है, कुछ और भी गैसेस भी हो सकती है, नाइट्रोजन है, दुनिया भर की गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो गैसेस जो है नॉस्ट्रिल, जो हमारा जिसे हम नथुने बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं, फिर नेसल पैसेज मतलब ये वाला जो पार्ट होता है वहां से होती हुई ये नेसल कैविटी अंदर की तरफ होती है बेटा, इस तरफ मतलब अंदर अगर आप देखोगे तो नेसल कैविटी दिखाई देगी, और उसके बाद ये सीधे कहाँ पर आना शुरू हो जाएगी बेटा, फेरिंग्स में, और उसके बाद लैरिंग्स में, और फिर ये जो ट्रैकिया होता है उसमें आ जाएगी। क्लियर हो रही है? अब एक क्वेश्चन यही बनता है ट्रैकिया पर, कि ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग्स जो है वो क्यों प्रेजेंट है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो देखो क्या करते हैं इनका, ये कोलैप्स ना हो जाए, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर रिंग्स बनाई जाती है। प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही ट्रैकिया के बाद हमारी जो एयर है वो पहुंचेगी बेटा कहाँ पर, ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद क्या होगा, वो ब्रोंकियोज में पहुंचेगी और एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद जो है यहाँ पर काम शुरू होता है मेन एक्चुअल। तो आपका बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्या नाम है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मैं बताता हूं कि हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर ही आपका बॉडी का, बॉडी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब और एक्सचेंज भी हो रहा है। आर्य वसन में तो कैसा होगा, ध्यान पूर्वक देखना बेटा। जैसे ही हम एल्वियोलाई में पहुंचे, एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये एल्वियोलाई जो होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब क्या होगा, इनके बाद यहाँ पर होंगे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और यही एक ऐसा सरफेस एरिया होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो जो एल्वियोलाई का मेन फंक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर हो रही है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी जो एयर है, मैं एयर वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान रखना, जैसे ही आपकी जो एयर है जो आपने इनटेक करी है ना, इनहेल करी है, वो आपकी एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये जो एल्वियोलाई है, बैलोलाई स्ट्रक्चर है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, और ये कैपिलरीज से कनेक्टेड होते हैं, जो खून की नलियां होती है ना उनसे क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। अब खून में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, क्या बोलेंगे बेटा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पिगमेंट होता है जो काम क्या काम करेगा, एयर में से, ध्यान से सुनना बेटा, एयर में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को उठाएगा, समझ में आ रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को उठाएगा और वो ब्लड में मिक्स कर देगा, क्योंकि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्लियर हो रही है बात, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उठाएगा और ब्लड में मिला देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेगा और वो ऊपर दे देगा। तो क्या होगा, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए, तो ये फिर से वापस हमारी, जैसे मैंने सांस ली, एक्सहेल करी, तो वो क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। क्लियर हो रही है, तो हमने एयर ली और वो क्या नाम है, उसमें से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उठाएगा एल्वियोलाई और उसको ब्लड में मिक्स कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो पूरे बॉडी में से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या करेगा बेटा, लेगा और क्या नाम है, बाहर की तरफ निकाल देगा। तो यही हमारी ब्रीदिंग साइकिल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो रही है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे कि राइट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई का क्या फंक्शन होता है। क्लियर हो गया, तो बेटा इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि भाई इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। चलिए बेटा देखते हैं इनहेलेशन क्या होगा, कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है, वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। जब आप क्या नाम है सांस लेते हो तो ये एक्सपेंड हो रही है, यस और नो, और यहाँ पर क्या होगा, ये थोरेसिक, ये थ्रोट वाली जो चेस्ट कैविटी है उसके लिए बोल रहे हैं हम, वो क्या हो जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो जब आप एक्सहेल करोगे, सांस लिया आपने, निकाली, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई।
ठीक है। यहाँ पर जो रिब्स होंगी आपकी, जो पसलियां होती हैं, वो क्या हो जाती हैं बेटा, ऊपर की तरफ उठती हैं, ऐसे उठ रही हैं, और जब आप निकाल दोगे तो ये डाउनवर्ड हो जाती है। क्लियर होने के बाद जो डायफ्राम होगा, अगर आपने डायग्राम देखा होगा, अब मैंने जो पीछे डायग्राम बनाया था तो उस डायग्राम में मैंने कुछ किस तरह की शेप बनाई थी, ठीक है, वो होता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम फ्लैट इन शेप, जब हम सांस ले रहे होंगे एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी ही रहती है। अब जैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इस तरह से हो जाएगी ये बिल्कुल। और जब हम ये निकालते हैं, ये डोंग का मतलब होता है डोंगा, हिंदी में बोलते हैं, जो ऐसे करके होते हैं ना, तो ये क्या होगा, इस शेप में हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नाउ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजिंग एंड एयर एंटर द लंग्स, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, लंग्स का इंक्रीज हो जाएगा और उसमें एयर एंटर कर जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और एयर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ये बेटा पूरा आपका रेस्पिरेशन टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना देना।